हेलो क्लास नाइन्थ, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बहुत ही आसान सा छोटा सा चैप्टर है ना। बहुत ज़्यादा अगर जाएगा तो दो वीडियो, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। वैसे हो तो जाना चाहिए एक ही वीडियो में, कॉन्सेप्ट पूरा एक वीडियो में हो जाएगा। उस क्वेश्चन वगैरह रह जाएंगे वो अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे, वो छोटे से वीडियो में भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप आइए सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री होती है ना, उसकी एक ब्रांच है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या एक तरह से मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है? इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम आर सॉल्व, जिसमें कैसी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू एलजेब्रा by using coordinate system, ठीक। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही, जैसे प्लेन है, एक ब्लैकबोर्ड आप देख लीजिए, दिस इज ए प्लेन है ना, और इस प्लेन में ढेर सारे ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, ये हैं, ये सब पॉइंट्स हैं कि नहीं, इसमें ढेरों पॉइंट हैं। तो जैसे पॉइंट हैं ये, अब इन पॉइंट्स की लोकेशन को कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, जैसे आप मान लीजिए आप आवास विकास में रहते हैं तो हर एक कॉलोनी का एक एड्रेस है। हाँ सर बिल्कुल, एक एड्रेस है, तो कोई भी व्यक्ति को अगर उस एड्रेस को दे दिया जाए तो वो उस जगह पहुंच जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सिस्टम को समझना है जिसकी थ्रू हम हर एक पॉइंट, हम बोले कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, आप पॉइंट पता करें तो आप उस लोकेशन पर पहुंच जाओ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या करना है, एक तरह से एड्रेस कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे कौन सी चीज, कौन सा पॉइंट का एड्रेस क्या है, कौन सा पॉइंट किस लोकेशन पे होगा, कैसे होगा, इस सब की स्टडी करेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो सबसे पहले बात आती है ऑर्डर्ड पेयर, आपको समझना है ऑर्डर्ड पेयर, कौन सा पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आपने लिखा ना, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऑर्डर्ड पेयर की जब पेयर की बात करेंगे, यहां से समझिए, ऑर्डर पेयर इसको जरा समझना पहले, जब हम किन्हीं दो नंबर्स को, जैसे मान लीजिए कोई टू नंबर्स ए एंड बी, कोई हमारे पास क्या नंबर है, दो नंबर है ए और बी, ठीक है, ए को फर्स्ट प्लेस पे लिखें, कॉमा लगा के बी को सेकंड प्लेस पे लिखें, तो ये जो बना स्पेसिफिक मेथड है, जो पहले बोला जा रहा है वो पहले लिखा जाएगा। अब बी कॉमा ए अगर लिख रहे हैं तो ये दिस इज अदर पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट माना जाएगा, ये दूसरा पॉइंट माना जाएगा। जो फर्स्ट प्लेस पे होगा तो इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अगर कोई दो स्पेसिफाइड नंबर, बात को सुनिएगा ध्यान से, अगर किन्हीं दो स्पेसिफाइड ए पेयर ऑफ नंबर, ए पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी, जो हमारे पास पेयर ऑफ नंबर, ए पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, आर लिस्टेड इन स्पेसिफिक वे, कैसे स्पेसिफिक वे, वो क्या होगा, ए एज फर्स्ट नंबर एंड बी एज सेकंड नंबर, देन ए कॉमा बी कॉल्ड ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर को मिसाल इसमें छोटे ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। अब जैसे मैंने लिखा 2, 3, तो दिस इज ए ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, लेकिन ये 2, 3 अलग है, अगर कहीं आपने लिखा 3, 2 तो ये अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी 3 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी 2 है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी 2 है, यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी 3 है, तो ऑर्डर पेयर इस फॉर्मेट में होगा। पहले तो फॉर्मेट देखने का तरीका, जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और जो सेकंड नंबर पे प्लेस पे, जो सेकंड नंबर पे होता है, जो सेकंड नंबर पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो दो शब्दों को समझिए, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर होता है उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और सेकंड प्लेस वाले नंबर को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। बहुत ही ध्यान से बातों को समझने का प्रयत्न करिए बेटा, कहीं गड़बड़ नहीं करना है आपको कोई चीज है। हाँ बिल्कुल, एकदम एक चीज को क्लियर ढंग से समझिए और समझ करके उनको प्रयास करिए कि समझ में आए और ठीक से आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाए।
है ना। हाँ तो हम लोग को यहां बात क्या करनी है, एब्सिसा की और ऑर्डिनेट की बात को समझना है। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट जो एक्स होता है, जो ए होता है वो एब्सिसा कहलाता है, और दूसरा वाला क्या कहलाता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, एब्सिसा एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनेट। ठीक, कोई दिक्कत हुई की बात में नहीं। चलिए जरा आइए सर, तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें एब्सिसा क्या है, इसको क्या बोलते हैं लोग, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एब्सिसा, स्पेलिंग को ध्यान से नोट करिएगा, ABS एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, स्पेलिंग ध्यान से देखिए, एब्स ABS सीसा, एब्सिसा, और सेकंड को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसे, आपको पॉइंट लिख के दे दिए, लिख दिया -5, -6 और पूछेंगे व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, तो क्या होगा, ABSCISS, तो एब्सिसा इज इक्वल टू -5 एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -6। दो बातें आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले तो ऑर्डर पेयर जान लीजिए, अगर इन्हीं दो नंबर्स को एक स्पेसिफिक वे में, ठीक है, एक स्पेसिफिक वे में एक ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, जो सेकंड नंबर पे होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो, ऑर्डिनेट एब्सिसा और क्या चीज क्लियर हो गई, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर है ना। हाँ अब एक बात और समझिए, इसके बाद आपको क्या समझना है, इसको बोलते हैं कार्टिजन प्लेन या क्वाड्रेंट एक्सिस। ये जो बनाते हैं इसे, या आपने ग्राफ में भी बनाया है ना, बनाया सर पहले बना चुके हो और शायद एयर्स में पढ़ा भी होगा आपको, इसको क्या बोलते हैं सर, एक्स एक्सिस बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स डैश, और इसको क्या बोलते हैं लोग, वाई डैश। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वेयर टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। बात क्लियर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन की बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। देखो ध्यान से, एक्सेस यहां तुमने आईएस लिखा है या ईएस लिखा है, अंतर समझ लेना। जब आप स्पेसिफाइड एक्स एक्सिस की बात करोगे तो आईएस लिखेंगे, एक्सिस बोलेंगे, और एक्सेस तो बोलेंगे, और कोऑर्डिनेट एक्सेस ये कब है, जब दोनों को एक साथ मिला के बोला जाएगा, जब एक्स एक्सिस दोनों, अगर हमने कहीं ये स्पेलिंग लिखी है तो आप ये समझेंगे हम दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, अगर ये स्पेलिंग लिखी है तो आप ये समझेंगे कि हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये अंतर है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। इस पूरे सिस्टम को इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये पूरा है, एक्स एक्सिस ये अकेले, वाई एक्सिस ये नेगेटिव, ये है ये है। बात क्लियर होगी, वर्ड को क्लियर कर लीजिएगा पहले, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको समझा दिया गया, इसका क्या नाम है, इसका नाम ओरिजिन होता है, इसका क्या नाम होता है, ओरिजिन, जहां पे परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को कट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं, ओ से, इसका क्या नाम है, ओरिजिन, ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए सर अब एक चीज समझिए ध्यान से, आपको मालूम है जब हम इस पॉइंट से इधर आगे की तरफ जाते हैं तो इसका अनुमान बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इधर जो होता है पॉजिटिव चलता है, इधर की तरफ वैल्यू कैसी होती है, इधर की तरफ आगे बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज करती है, इधर पॉजिटिव माना जाता है, और इधर जब जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, इसलिए इधर क्या माना जाता है, निगेटिव माना जाता है, इसलिए इसको एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यानी बढ़ रहे हैं, है ना, यानी इधर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप नीचे की तरफ क्या हो रहा है, गिर रहे हैं, तो मतलब इधर कैसा होता है, निगेटिव होता है,
इसलिए इसका नाम होता है y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको बोलते हैं y एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। फिर से बात को समझ लीजिएगा, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन है, ओरिजिन से जब आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हो, ओरिजिन से जब आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हो, बात को समझने का प्रयास करिएगा, ओरिजिन से जब आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करने का प्रयास करते हो तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हो तो निगेटिव डायरेक्शन। क्यों? जब आगे की तरफ बढ़ोगे आप, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, बढ़ती एक दो तीन वैल्यू बढ़ रही ना, ये पॉजिटिव हो रही, बढ़ रही। इधर क्या होता है, माइनस एक फिर माइनस दो, तो छोटा हो रहा है ना धीरे धीरे, माइनस तीन माइनस पाँच माइनस दस माइनस सौ, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता है नीचे घटता है, क्लियर? तो एक्स एक्सिस की ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लियर हो गया? इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, है ना? हाँ, ओरिजिन क्लियर हो गया, ओरिजिन क्लियर हो गया, ठीक है ना? इसका नाम क्या है, ओ। ऐसे यहाँ पे इसका इसका जो एक्सिस का नाम है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स, ओ एक्स एंड ओ एक्स डैश। यहाँ पे एक नाम दे दिया वाई, ओ वाई एंड ओ वाई डैश। तो अगर हम पूछें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन है, तो आप बोलोगे ओ एक्स। नेगेटिव डायरेक्शन क्या, ओ एक्स डैश। y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या, ओ वाई। y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन कौन है, ओ वाई डैश। क्लियर हो गई? इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, होना नहीं चाहिए बेटा, बिल्कुल एकदम सब चीजें कायदे से समझते हो, चलिए आगे बढ़ते चले, है ना? कि कोई दिक्कत हो तो बता दें अभी। हाँ, अब एक बात और समझिए ध्यान से, इसके बाद इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब नाम समझते जाना, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे चलना, यहां से स्टार्ट करना फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फिर फोर्थ, ये होता सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे इसका क्या नाम होता है, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, इसका क्या नाम होता है, फोर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है, है ना? अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसकी खासियत सुनिएगा, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट जो ये फर्स्ट, ये यहां से ये पूरा ये जो एरिया है, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे भाई? आपने क्या किया, इस प्लेन को, इस ब्लैक बोर्ड को आपने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। इस पार्ट में ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट जो होंगे जितने भी यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट है ना, ऐसे ये सब पॉइंट है ना, इन सब पॉइंटों की कुछ खासियत होगी। इन सब पॉइंटों की क्या खासियत है सर, ये जितने भी पॉइंट है ये कहाँ पड़ रहे हैं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। जो एब्सिसा होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे मेजर किया जाता है, एब्सिसा भी बताया था ना, हाँ, और जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे मेजर किया जाता है, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक, तो यहां पर जो पॉइंट होते हैं उनका उनका जो नेचर होता है, जो यहां पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे उनका जो नेचर होता है, नेचर मतलब समझना चाहते हैं, उसका साइन कैसा होता है, वो पॉइंट प्लस प्लस बना होता है, मतलब दोनों उसकी वैल्यू प्लस में होती है। जैसे अभी हमने लिखा था 2, 3, अगर आपसे कोई पूछे कि 2, 3 जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप बता सकते हैं दिस पॉइंट x एक्सिस इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, दोनों बातें पॉजिटिव हैं, x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, एक्सिस पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो ये कहां होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपसे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, पूछा जाएगा किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ऐसे इसके बारे में जरा देखिए, इस हमेशा पहले कौन लिखा जाता है, एक्सिस, यानी कौन, x एक्सिस कैसा है, फिर कौन लिखा जाता है, ऑर्डिनेट, यानी फिर y एक्सिस कैसा। तो इसी में पहले देखा ये यहाँ पर जो ये जहाँ पर जो ये एरिया है वो किसके द्वारा बन रहा है, ये बना रहा है x एक्सिस और y एक्सिस बना रहा है, तो यहाँ x एक्सिस का साइन कैसा है, पॉजिटिव, y एक्सिस का साइन कैसा है, तो इसका प्लस प्लस बन गया। इसमें आइए, इसमें x एक्सिस का साइन कैसा है, हाँ सर निगेटिव, इस वाले एरिया में निगेटिव है, y एक्सिस का साइन कैसा है, सर पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा जो माइनस प्लस के फॉर्मेट में होगा, कहीं अगर जैसे लिखा -4, -3, एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, सेकंड। अब जरा इस पॉइंट पे आए थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें पहले एक्स को देखो, एक्स कैसा है, एक्स के साथ नेगेटिव है माइनस, वाई भी कैसा है, सर नेगेटिव, तो यहाँ पे यानी यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो माइनस माइनस में लिखा, जैसे कि लिखा होगा -3, -5, अरे वाह, समझ में आ रही। अब आइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में, इसमें एक्स देखो कैसा बेटा, पॉजिटिव है, वाई कैसा बेटा, नेगेटिव है,
इसका जो पॉइंट होगा वो प्लस माइनस के फॉर्मेट में। तो यानी अगर आपके पास पॉइंट्स के सिंबल्स पता है, मतलब साइन पता है, प्लस माइनस में है, माइनस प्लस में है, प्लस प्लस में है, माइनस माइनस में है, तो आप उस पॉइंट के बारे में बता सकते हैं पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ, इतनी बात सर हमें समझ में आ गई। कोई इतनी बात में दिक्कत हो तो बताइए आप, इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, है ना? नहीं है ना? कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, अब जैसे तो क्वाड्रेंट क्लियर हो गए, चलिए एग्जांपल्स भी इसका भी बता दें। एग्जांपल फाइव का भी बता दें सर, 4, -5 x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक, क्वाड्रेंट क्लियर हो गए। क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? प्लस प्लस। कोई पूछे व्हाट इज द साइन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट? प्लस प्लस। व्हाट इज द साइन ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट? माइनस माइनस। व्हाट इज द साइन ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट? माइनस प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट? प्लस माइनस। ये आपको याद करना बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से नोट करिए, इसको अच्छे से नोट करिए। बिल्कुल बेटा, अब आइए सर, अब आपको क्या करेंगे कि किन्हीं पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करने को कहा गया। पॉइंट्स को किस पे ड्रॉ करना है? कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है। जैसे हमसे कहा गया 5, 3 को ड्रॉ करिए। एक पॉइंट हमारे पास क्या है? 5, 3। हमने पहले कार्टेशियन प्लेन ऐसे बना लिए, कई पॉइंट अभी लिखेंगे, एक एक करके समझाते चल रहे हैं। तुरंत जब बनाए तो इसका क्या नाम दिया जाएगा? ओ। यहाँ क्या नाम लिखा जाएगा? कैपिटल एक्स। और इसको एक्सिस, अगर कोई पूछे कौन सी एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये कौन है? ये वाई डैश। तो ये कार्टेशियन प्लेन का नाम हो गया ओ एक्स, ओ वाई, ओ एक्स डैश, ओ वाई। नाम अगर लिखना है ये लिखे, ऐसे यहां लिखेंगे दूर सामने एक्स एक्सिस। और ये कौन है बेटा? यहां लिखने की जगह नहीं हमारे पास, तुम यहां साइड में लिख देते वाई एक्सिस। ठीक, अब जैसे कह रहे 5, 3, तो ये 5 क्या है? ये एक्सिस था। एक्सिस कहां चला जाता है? एक्स एक्सिस पे। ये x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू? y की। जो एब्सिसा होता है, एब्सिसा इज द वैल्यू ऑफ x, ऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ y, समझ गए? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो x कमा y के फॉर्मेट में मान के चले, या ये कमा b के फॉर्मेट में मान के चले, जैसे भी आपको समझना है समझिए इसमें। तो ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है? x एक्सिस की। ये किसकी वैल्यू होती है? y एक्सिस की। चलिए, तो x एक्सिस पे कितना चलना है? 5 यूनिट। 1 स्केल आपके पास होगा, देख लेना, 2, 3, 4, ये 5। x एक्सिस पे 5 यूनिट चल गए। y एक्सिस पे, y एक्सिस का मतलब कैसा? प्लस प्लस है, तो यानी y एक्सिस ये ऊपर की तरफ, यानी इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कितने पॉइंट चल रहे? 3, 1, 2, 3, ऐसे। यहां से चलिएगे तो फिर ऐसे करके, फिर ऐसे नापने की दिक्कत हो, तो यहीं पे ऐसे पहले कैसे चले? 1, 2, 3, 4, 5, कहां तो चलेंगे? x एक्सिस पे। फिर उसी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना है, अगर प्लस है तो ऊपर की तरफ, माइनस है तो नीचे की तरफ। ये पॉइंट मिला इसे गए? हाँ सर मिला। इस पॉइंट का कुछ नाम देते, क्या नाम देते थे? P। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? 5, 3। और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दी, बड़े डार्क खींच दो, डॉटेड की जैसे खींचो, यही लाइन यहाँ पे लिखनी चाहिए कि ये आपने इस पॉइंट को यहाँ से, अरे यार मेरे पास तो स्केल ना होने की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। अब सही है, थोड़ा कहना मेरा आया, क्या करें, स्केल नहीं है तो थोड़ी टेढ़ी मेरी लाइन दिख रही, कोई दिक्कत नहीं, उसमें परेशानी वाली बात है। अब आपको एक दूसरा और पॉइंट दिया गया, -3, -2। तो ये बताइए, अब अगर मैं आपसे पूछें x कैसा है तो निगेटिव है, और y कैसा? पॉजिटिव है। x निगेटिव किधर होता है? इधर होता है। कितना? -3। 1, 2, -3। ये -3 पे आ गए, ये कहाँ पे आ गए? -3। लिखते भी चलो, चाहो लिख लो, 1 है ये, 2 है ये, -3 है इधर, ये 1 है ये, 2 है ये, 3 है ये, 4 है ये, 5 है ना, ये 1 है, ये 1, 2, और ये 3 ऊपर ऐसे है ना। अब उनको दिखाने के लिए यहाँ नहीं दिखाएंगे, इधर दिखाइएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे नीचे की तरफ -1, -2, -3, ऐसे पॉइंट्स आप लिख लिया करिए। लिखने के ग्राफ पेपर जब आप बनाओगे, ग्राफ पेपर आपके पास होगा, उस ग्राफ पर, अरे एक और चीज़ सुन लो बेटा, जैसे आप परीक्षा दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, और आपको ग्राफ पेपर ना अवेलेबल कराया जाए, तो आप मांगेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? कॉपी पे ऐसे लंबी लंबी लाइन खींचेंगे। अब वहाँ तो 1 यूनिट का, 1 यूनिट, एक स्केल उठाएंगे, स्केल में बड़े बड़े खाने होते हैं, इंच जिसको बोलते हो, मार्क कर देंगे, बस उसी से काम चलाना है आपको, है ना। अगर मिल जाए तो ठीक, अगर आपको पेपर में मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए, उसको परेशानी वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, अब ये -3, -2 की बात करें तो एक्स एक्सिस से कितना चलना? -3, 1, 2, 3, -3। अब ये वाई कैसा है बेटा? पॉजिटिव, तो वाई तो पॉजिटिव, तो कहाँ जाओ? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चलो, कितना? 1, ये देखो 1 के सामने आ रहे हैं, ये देखो 2, ये 2 के सामने आ रहे हैं, 1, 2। ये जो पॉइंट बना, इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम दे दिया Q। ठीक
क्या कोऑर्डिनेट होंगे, माइनस थ्री कॉमन। समझ में आया कि नहीं आया? एक और ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे माइनस फाइव कॉमन दूसरा दिया है, माइनस फाइव कॉमन माइनस फोर, तो एक्स एक्सिस पे कैसे चलना है, निगेटिव निगेटिव, चलिए एक दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच, ये माइनस पांच पे आ गया, ये कहां पे आ गया, माइनस पांच पे आ गया, आ गए। अब कहां जाना है, वाई एक्सिस पे कैसे चलना है, निगेटिव चलना है, नीचे पर चलिए कितना, चार एक दो तीन चार पांच छह सात, ऐसे बना देना ताकि आपको नापने में दिक्कत ना हो। अब कितना चलना है, माइनस चार, एक दो तीन चार, यानी किस किस यहां तक ऐसे इधर कैसे आ गई, इस जगह इस पॉइंट का नाम दे दिया ई क्यू आर आर, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस फाइव का माइनस फोर। आगे समझ में, हाँ सर, एक और पॉइंट इन्होंने दे दिया, आपका एग्जाम्पल वन है ये बेटा, है ना, हाँ, टू कामा माइनस सिक्स, टू कामा माइनस सिक्स, अब टू कामा माइनस सिक्स एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, एक्स कैसा पॉजिटिव प्लस एक दो, और वाई कैसा निगेटिव, तो नीचे तक एक दो तीन चार पाँच छः, छः टू के सामने और छः के सामने ऐसे आएंगे, तो यहाँ पे ऐसे नीचे तक चले चलते चले आएंगे, सीधी नहीं आई लाइन, वाई की भी नहीं ना मानती नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः के सीध में यहाँ तक ले आई नीचे से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, टू का माइनस सिक्स। ऐसे करके आप किन्हीं भी पॉइंट्स को कार्टिजन प्लेन पे, ऐसे छोटा क्वेश्चन आ सकता है, चार पॉइंट दे देंगे आप, कहेंगे कार्टिजन प्लेन पे ड्रॉ करो, चार नंबर पर हो गया, एक एक नंबर पर ड्रॉ कर दीजिए, काम खत्म, चार नंबर आपके, है ना, हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। आप दूसरा किस चीज क्या होता है, दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरी बात ये करते हैं कि आपको पॉइंट देंगे, अब जैसे पॉइंट दे दिया, हमने लिख दिया एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ताकि एग्जाम्पल भी कंप्लीट होते हैं, बाद में उसको अलग से कराना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखा है, इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई, पहला पॉइंट लिखा है फर्स्ट पॉइंट फोर कामा माइनस टू, सेकेंड पॉइंट माइनस थ्री कामा सेवन, फोर्थ पॉइंट ए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट माइनस एक कामा माइनस टू, फोर्थ फिर लिखा थ्री कामा सिक्स, ये चार क्वेश्चन दे दिए मैंने, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट ऑफ द टाइप, या दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइप कैसा है, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है प्लस कॉमा, ये कैसा है माइनस, प्लस कॉमा माइनस के फॉर्मेट, पॉइंट फोर कॉमा टू पॉइंट ऑफ टाइप, ये क्या है, ये पॉइंट है, ये किस टाइप का है, पॉइंट्स ऑफ द टाइप फोर कॉमा माइनस, सॉरी प्लस कॉमा माइनस वन, ठीक है। सो इट लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक्स एक्सिस पे प्लस वाई एक्सिस पे निगेटिव, तो ध्यान दीजिए जरा तुरंत देखा करो, ऐसे एक्स एक्सिस पे प्लस वाई एक्सिस पे निगेटिव, ये हो गया ऐसे बना, तो किस जगह पे है, इधर है, इस जगह पे, ये एक्स एक्सिस पे निगेटिव है, यानी आप किस जगह पे आ रहे हैं, इस जगह, ये कौन सा क्वाड्रेंट, इट इज इन लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। ऐसे इस पे देखिए, इस पॉइंट का टाइप क्या है, पॉइंट ऑफ टाइप माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, माइनस एक्स एक्सिस माइनस यानी इधर, और वाई एक्सिस प्लस यानी ऊपर, किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं आप, सेकंड क्वाड्रेंट। सो इट लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे लिख नहीं लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, अब इसको पूरा नहीं लिखेंगे, इसमें देखिए ये माइनस माइनस है, कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, थर्ड क्वाड्रेंट का, ये प्लस प्लस है, किस क्वाड्रेंट लाई करेगा, फर्स्ट पर, ये प्लस, ये प्लस बना लेंगे, कर लेंगे ना, हाँ कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं चल रहे हैं ना, हाँ। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें आपको इन्होंने फिगर बना के दे दिया है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहे, कह रहे फिगर बना कैसे दे दिया, और कह रहे इसकी कोऑर्डिनेट आप बता दीजिए देख देख कर, ये तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से, अभी देखो हम नाप करके दिखाते हैं फिगर हमको बनाने, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, हम बना दे रहे हैं फटाफट, देखिए ध्यान से ऐसे बना लिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब हमने लिखा पढ़ी कर लेना है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दुनिया की बातें की लिखें, ये एक्स है, ये ऊ है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश, इतना तो लिखना ही गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब जरा देखिए ध्यान से, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट, ऐसे बना दीजिए, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एट, ऐसे बना लीजिए, थोड़ा ज़्यादा कहाँ तक हम ज़्यादा ऊंचा नहीं जा रहे हैं, जितनी जरूरत उतने बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, सब ये भी हो गए, नंबर लिख लेना, वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस माइनस एट, यहाँ कितना है यहाँ पे देखो ये ओ लिखा है भैया, इसको ओरिजिन कहा जा रहा है, ओरिजिन कहाँ लिखे थोड़ा बड़ा सा लिख दिया ओ, किसी दूसरे कलर के पेन से लिखना ताकि समझ में आए ये ओरिजिन के बारे में लिखा गया है, जीरो पढ़ जाओ पता लगा बाद में, दूसरे कलर से पेंसिल लिखे ना समझ में आएगा। यहाँ पे कितना आ गया, ये माइनस वन हो गया, ये माइनस टू हो गया, ये माइनस थ्री हो गया, माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट, इतना ज़्यादा एट तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। अब जरा देखिए ध्यान से, एक पॉइंट बनाया है यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाया है और ये ऐसे ऊपर आपके नीचे पॉइंट बना हुआ है, एक एक करके पहले बना लें उसके बाद दिखाते हैं। दो से चार चला गया, दो ये चार के आगे इक्वी पॉइंट ठीक, हाँ सर बिल्कुल सही है, पाँच से माइनस तीन पाँच और ये माइनस तीन ऐसे बना दिया है, यहाँ पे उस पॉइंट को लग गया है, क्या नाम दिया एस बी आई पी क्यू एस और एक आर है, आर कितना तीन पे और माइनस टू पे, माइनस टू ये हो गया तीन ये ऊपर से आगे ऐसे कर दिया ठीक, ये आर है, इनको क्या फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर एस, इनके कोऑर्डिनेट देखने जरा ध्यान से, बहुत सिंपल तरीका, इस पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंचना है P पे, कैसे चलेंगे यहाँ से ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे, सब पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं, एक दो एक्स एक्सिस पे कितना चले दो, फिर वाई एक्सिस पे देखो कितना चल रहा है, इधर से देखते चलना है एक दो तीन चार, इसके कोऑर्डिनेट कितने चले एक्स एक्सिस पे दो चले और वाई एक्सिस पे चार चले, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पी इज, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज यहाँ क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल पी इज इक्वल टू नहीं आया समझ में, अब आई सब क्यू के बारे में देखते हैं कैसे चलेंगे, ओरिजिन से चलो एक दो तीन चार फिर ऊपर की तरफ चलो, तो ये एक यहाँ पे आ गए इस जगह फिर दो, यानी कि कोऑर्डिनेट कितना चार कामा दो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फोर कामा दो, अब समझ में आ गया होगा, इस पे आइए आर पे देखते हैं, आर पे चलिए पहले यहाँ से ओरिजिन से चलना है माइनस एक माइनस दो, एक्स एक्सिस पे कितना चले माइनस दो, वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है प्लस की तरफ एक दो तीन, तो माइनस दो एक्स एक्सिस पे और y एक्सिस के ऊपर की तरफ गए ना तो पॉजिटिव तीन, दो को माइनस दो कमा तीन, ये कोऑर्डिनेट पे कौन हो जाएगा r हो जाएगा माइनस दो कमा तीन, फिर s के कोऑर्डिनेट पूछे जरा देखिए ध्यान से, s के कोऑर्डिनेट पूछे गए इस वाले के कोऑर्डिनेट, एक और भी पॉइंट बनाया उन्होंने, हाँ एक और पॉइंट बनाया बेटा टी भी बनाया उन्होंने, हमने देखा नहीं ध्यान से टी भी बनाया उन्होंने है ना, हाँ हमने देखा नहीं वो भी बनाते हैं, माइनस चार से माइनस एक पे माइनस चार से माइनस एक ऐसे करके उन्होंने बनाया माइनस एक पर, इसके इस टी के पॉइंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे, एस की पहले बात कर लो एक्स एक्सिस पे कितना चले एक दो तीन चार पाँच, तो नीचे की तरफ गए ना एक दो माइनस तीन, ये कितना एक्स एक्सिस पे चले पाँच और वाई एक्सिस पे कितना चले माइनस का तीन, ये कोऑर्डिनेट इसका ये हो जाएगा। टी की बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे एक दो तीन माइनस का चार, तो नीचे की तरफ गए कितना एक, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे माइनस माइनस चार कामा माइनस एक, इसके कोऑर्डिनेट भी यही लिख देते हैं यहीं पे ग्राफ पेपर पे, तो आप देखने में समझने में आसानी होगा, बाकी कौन सा लिखी है टी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे माइनस फोर कामा, तो अब समझ में आ गया वो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे कैसे लिखेंगे ठीक है ना, ओके नीचे दिख नहीं रहा तो टी ऊपर लिख देते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ टी इज माइनस फोर कामा माइनस वन आंसर। अब इतनी बात तो समझ में आई गई, ये एग्जाम्पल नंबर आपका थर्ड था शायद क्या 100%। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कुछ चीजें समझिए जरा, कोऑर्डिनेट ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं ध्यान से सुनिएगा, कल हमने पढ़ाया था एक वीडियो जब आप ग्राफ बता रहे थे तो हमने कहा था कि एक्स एक्सिस की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है, किसी भी पॉइंट पर वाई हमेशा जीरो होता है, कल हमने पढ़ाया था ना लाइन ड्रॉ करी थी जब एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो लाइन ड्रॉ की थी, तो आपको बताया था जब हम किसकी बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस हमेशा वाई कैसा होता है जीरो, तो जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होंगे, अब जब एक्स एक्सिस पॉइंट खास देखिए जैसे ये पॉइंट है, तो आप यहाँ से चलना शुरू किए एक्स एक्सिस पे कितना चल के आए एक, तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखे जाए तो वन कामा जीरो, क्योंकि आप वाई एक्सिस पे गए नहीं ऊपर, देखो क्या आप ऊपर की तरफ गए या नीचे की तरफ गए, तो वाई एक्सिस पे चले नहीं तो वाई की कितनी होगी जीरो, ऐसे अगर हम यहाँ पे आ गए ये दो तीन चार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक्स एक्सिस पे कितना चले यहाँ से ओरिजिन से काउंट करो एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर तो पाँच चले, वाई एक्सिस पे देखो कितना जा रहे हो, क्या आप ऊपर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, क्या आप नीचे जा रहे हो नहीं जा रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो, ऐसे ही कराइए अगर हम यहाँ पे देखिए जा रहा है एक दो तीन, तो यहाँ एक्स वाई एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कितना चले एक दो तीन, यानी माइनस तीन चले,
ऊपर है ना नीचे का भी, तो खासियत देखो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें वाई हमेशा जीरो होता है। तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ऑल पॉइंट ऑन द एक्स, नोट याद रखिएगा, लिखा पढ़ी करनी आपको, ऑल पॉइंट, पॉइंट ऑल पॉइंट्स विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस वाई इज जीरो। वाई को लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिख देते ऑर्डिनेट, ताकि आपको पता चले वाई किसकी बात कर रहा है, ऑर्डिनेट इज जीरो। हमेशा ऑर्डिनेट कितना होगा, कभी आप कमेंट छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसे, के पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, चार ऑप्शन दे दिए, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7। अब आपको पता नहीं, अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y हमेशा कैसा होगा, 0 होगा, बस इतनी बात याद रखना। ऐसे आई सर, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, अब जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को दिखाना है, ऐसे दिखाना है, इस पॉइंट को दिखाना है, तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ से अब आपको इस पॉइंट पर अगर जाना है तो आप क्या करोगे, x एक्सिस पे आगे जाने की जरूरत थोड़ी ना, आपको ऊपर चढ़ना है सीधे, यहाँ से चढ़ना शुरू कर दोगे, 1, 2, 3, तो आप x एक्सिस पे कितना चले, आप एक भी मूवमेंट नहीं चले, ना इधर गए ना इधर गए, इसको कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 पाना थी, x एक्सिस पे चले नहीं, y एक्सिस पे 3 यूनिट चल के आए, 0। ऐसे नीचे की तरफ अगर जाओगे तो x एक्सिस पे तो चले नहीं, 0, y एक्सिस पे कितना होगा, -3 होगा। तो यानी ऑल पॉइंट व्हिच लाइज ऑन y एक्सिस, ये पहला नोट हो गया, लिख लिया होगा आपने, दूसरा ऑल पॉइंट पॉइंट्स विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्स वैल्यू ऑफ एक्स, यहां एक शब्द और पढ़ा लिया, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई, यहां पे लिखिए वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इसको बोलते एफ सी सा इज जीरो। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हाँ, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, ढूंढ के देते हैं हम आपको। हाँ, जरा क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल नंबर 4, तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई, एक्स एक्सिस वाई जीरो और वाई एक्सिस एक्स जीरो, ये याद रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन बना दिए मैंने, चौथा एग्जाम्पल इसी तरह का क्वेश्चन बना के रख दिया, क्या पूछा भैया, पूछ रहे हैं 7, 0 क्वेश्चन है, ऑन विच एक्सिस, ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाई, कहाँ पे लाई करेंगे, कहाँ पे लाई करेंगे, अब बताइए जरा। इस 7, 0 को जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ऐसे चलोगे, एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और वाई एक्सिस पे बिल्कुल नहीं चलोगे, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ऑन एक्स एक्सिस, यही पूछा गया है। तो 7, 0, ठीक है, 7, 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्यों, बिकॉज इट्स हैज वाई इज इक्वल टू 0, या ऑर्डिनेट इज 0, इसकी द वैल्यू ऑफ वाई इज 0 या ऑर्डिनेट इज 0, जो भी रीजन आप जैसे लिखना वैसे भाषा लिख दीजिएगा, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी ऐसी है, करें 0, -3, 0, -3 को अगर ड्रॉ करें तो यहां से आप चलेंगे एक्स एक्सिस पे 0 चलना, मतलब चलना ही नहीं, वाई एक्सिस पे कितना चलना, -3, 1, 2, -3, ये पॉइंट कहां लाई करेगा, 0, -3 लाइज ऑन द y-axis, कहाँ लाई करेगा, y-axis पे लाई करेगा, कर लेंगे अब सवाल, इसके बाकी भी दो पार्ट आप खुद कर लेंगे, अब जरा बताना जल्दी से, 0, 6 lies on y-axis और -5, 0 lies on x-axis, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -5, 0 lies on x-axis। अब अगर negative positive direction पूछे तो लिख देना, negative direction in positive direction, otherwise कोई जरूरत नहीं, क्लियर हो गया, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको मैं सिलेबस भेज दिया आपके यूपी का सिलेबस, है ना, बिल्कुल, और चैप्टर भी कंप्लीट, आज सिलेबस भी खत्म हो गया, अब रिवीजन भी कर देंगे थोड़ा सा, 2-4 क्लासेस रिवीजन की बता देंगे आपको, वीडियो जो इंपॉर्टेंट हम भेजेंगे उनको जरूर देख लीजिएगा, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा दोबारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है 3 vertices ऑफ ए ट्राइंगल ABC, कैपिटल ए कितना है, 1, 4 है, कैपिटल बी कितना है, -2, 2 है, कैपिटल सी कितना है, 3, 2, तो कहें पहले इसको प्लॉट करिए, कहाँ पर, ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट दीज 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट को पहले ग्राफ पेपर पर प्लॉट करो, ए कितना है 1, एक्स एक्सिस पे कितना चले 1, और वाई एक्सिस पे कितना चले 4, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक, अरे हमारे पास स्केल नहीं है बेटा, सीधी लाइनें नहीं आती, परेशान ना होना,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने लेंगे, 1, 4। देखो एक्स एक्सिस पे 1 चले, वाई एक्सिस पे 4 चले, एक्स एक्सिस थोड़ा बड़ा चल गए हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करा जाए। बी के बारे में एक्स एक्सिस पे कितना चले, -2 चलिए, 1, 2 -2। वाई एक्सिस पे प्लस का 2, ऊपर की तरफ चलेंगे, 1 और 2। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसका नाम है बी, और कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे, -2, 2 बन गया। फिर 3, 2 एक्स एक्सिस पे 3, 1, 2, 3। वाई एक्सिस पे कितना, 1, 2। यहाँ इस अरे फिर टेढ़ा जा रहा है, देखो देख रहे हो कितना टेढ़ा लिख रहे हैं। इसके पॉइंट कितने हैं, 3, 2। ये कौन पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए, ये बी आपका कौन सा पॉइंट है, ए है, ये बी है, और ये कौन है, सी है। इनको ऐसे मिला देंगे देखो एक ट्राइंगल नहीं बनता है। तो पहले तो कह रहे प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसका नाम बी है, यहाँ इस जगह इतना अच्छा लगेगा बी, और ये पॉइंट कौन है हमारा, सी है। अब बेटा समझना है, बेटा एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलेगा बेटा इस ट्राइंगल के, इस बेस की लेंथ पता करो, ये कितनी लंबी है, इसकी लंबाई पता करो, और ये कितनी हाइट है इसकी, ये पता करो, यानी ये आपको पता करनी है। इसका नाम दे दिया, कुछ नाम दे दिया जाए, एम दे देते हैं, ऐसे इसको नीचे तक ऐसे बढ़ाएंगे है ना, कुछ इसका नाम दे देना, इसका नाम एम दे देते हैं। तो ऐसा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपने फॉर्मूला पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, पढ़ा कि नहीं पढ़ा सर। तो बेस जरा देखना, बेस का क्या नाम है, बेस देखो जरा क्या, इसका बेस का नाम है बी सी, और बी सी की वैल्यू पता कैसे मिलेगी, नापना पड़ेगा बिल्कुल एकदम, बी सी कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखना एकदम। कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं आपको, कभी भी इस तरह कैलकुलेशन है बड़े आराम से कैलकुलेट किया, तो बड़े आराम से देखना ध्यान से। यहाँ से चलना शुरू करो, गिनती कितना, गिनती कितना है पॉइंट की, माइनस प्लस नहीं देखना है, कितना चले, 1, 2, 3, 4, 5। तो बी सी स्क्वायर टू 5 है। फिर से देखना, फिर से गिनवा रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए कैलकुलेट करनी है, माइनस प्लस मत देखना, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से एकदम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ तो 0 पे हो, इसकी कोई गिनती नहीं, 1, यहाँ से यहाँ हो गया तो कितना हो गया, 1 यूनिट, स्केल में देखना 1 यूनिट हो गया होगा। जब आप यहाँ पर स्केल रखो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको देखिए, यहाँ तक 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4, ये 5 पहुँच गए सर, बी सी पता चल गया। हाइट देखना जरा, हाइट देखना, हाइट इतनी है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह कितना, इस पॉइंट का नाम है, इस यहाँ पर देख लो, यहाँ से चल के गए 1, यहाँ से 0 चले 1, ये कितना है, ये 2 है, और ये 3 है, थोड़ा छोटा हो गया है ना, थोड़ा ऊंचा बना होता अच्छा लगता, और ये 4 है। ध्यान से देखिए यहाँ, अब देखो अगर गिना जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 आएगा, 1, 2, 3, 4, हमको तो इतनी लेंथ चाहिए इतनी, तो गिनती कितना है, यहाँ से चले 1, 1 पॉइंट, और ये 2, तो आपका हाइट कितनी, हाथ हाइट का नाम एम, और एम की वैल्यू कितनी सर, 2। समझ में, ऐसे काउंट कर लिया करो, यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए, 1/2 बेस बेस कितना है 5, हाइट कितनी 2, 2 से 2 कट गया, 5 स्क्वायर लिखे, 5 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर जो भी लिखना, एरिया निकल के बाहर आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई पानी एरिया नहीं है, है ना, हाँ मजा आ रही है, नहीं आ रही कोई बात नहीं, आई पढ़ाई करो पढ़ाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 को देख लेते हैं, कुछ है नहीं लेकर, सब समाप्त हो गया, बड़े आसानी से आप करिए इसको घर में लगाइएगा, पूरा चैप्टर आप कर डालोगे, कल हम इस पर डिस्कशन करा देंगे, मतलब सवाल वाला वो देख लेंगे, फिर कभी जो खत्म हो जाए, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया कि आप कह रहे हैं 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी आर, कोई आपके पास एक क्या स्क्वायर है ए बी सी डी, उसके 3 वर्टिसेस, ए कितना है, ए हमारा 3/2, बी कितना है हमारा, बी हमारा कितना -2/2, सी कितना है हमारा -3/3, और डी कितना है हमारा, डी कितना है, डी नहीं पता है, 3 ही पॉइंट दिए, डी के बारे में पता है, तो इसको पहले प्लॉट करिए, और फिर कह रहे डी के कोऑर्डिनेट बताइए आपने, तो फाइंड आउट, उसके बाद एरिया भी पूछा है, बहुत बढ़िया, ए डी तो दिया है, ए बी डी सी नहीं दिया है, ए दिया, बी दिया, 3/3, ये डी है बेटा, सी गायब है। पूछा क्या है, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, हेंस फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट निकालने, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर एबीसी, पहले ड्रॉ करिए, इसका नाम जानते हैं एक्स एक्सिस, ए कितना, 3/2, 1, 2, 3, और 3/2 है तो एक्स एक्स वाई एक्सिस पे 1 और 2, ये कौन हो गया, 1, इसका लिखे 3/2, ठीक। इस पॉइंट का नाम थोड़ा बड़ा करिए, अच्छे से डार्क करते रहे ताकि पता रहे, बी बी कहाँ है, -2/2,
एक्स एक्सिस पे माइनस एक माइनस दो ऊपर की तरफ चला गया, ये देखो दो पे आ गया, ये बी बन गया माइनस दो कामा दो। फिर डी कितना है, माइनस तीन कामा तीन है, माइनस तीन कामा तीन। देखो यहां से देखो एक्स एक्सिस माइनस एक दो, डी की वैल्यू क्या दी गई माइनस तीन का, डी की वैल्यू क्या दी गई माइनस तीन कामा तीन ही दी गई, माइनस तीन कामा डी की वैल्यू माइनस एक, कुछ हमने गलत लिखा क्या, कोई वैल्यू तीन कामा दो ये दी है, डी की वैल्यू हमको दी गई है माइनस दो कामा दो दी गई है, ठीक है, और डी की वैल्यू दे रहे माइनस तीन कामा, डी की वैल्यू हमको दे रहे माइनस तीन कामा, गलत लिख रहे हैं यार ये सवाल में, डी की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में जो ऊपर लिखी वो गलत लिखी है, और जब नीचे देखो जब उन्होंने सोल्यूशन किया तब वहाँ पॉइंट उन्होंने सही लिखा, देखा कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, फंसा देते हैं इसे क्वेश्चन में इन लोगों को। अभी हम भी देखो अब सोल्यूशन देखो, जरा सोल्यूशन किताब में लिखे तो वहाँ देखा यहाँ पे पॉइंट ये ऐसे नीचे लिखा है, नीचे उन्होंने सोल्यूशन किया तो कोऑर्डिनेट ये लिख दिया है, कन्फ्यूजिंग पूरी तरह कन्फ्यूजन क्रिएट है। तभी जब कहें ऐसे कैसे बनेगा, यहाँ डी बना रहे हैं सी हमें ढूंढने में दिक्कत कर रहा था, चलिए गलत हो रहा था, चलिए क्योंकि अगर माइनस तीन तो माइनस तीन यहाँ आ जाएगा और तीन फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लेकर स्क्वायर कभी बनेगा ही नहीं। हाँ तो तीन एक्स एक्सिस पे एक दो तीन और वाई एक्सिस पे निगेटिव तीन, एक दो ये आपका कौन है, ये डी है, ये तीन कामा माइनस तीन, ये बहुत बढ़िया सवाल हो गया। अब देखो ध्यान से ए को बी से मिला दीजिए, लाइन सीधी स्क्वायर बनाना है तो ये सीधे ऐसे लाइन आ रही होगी इस तरह से, ये लाइन ऐसे डी की तरफ जा रही होगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब एक बात बिल्कुल समझिए ध्यान से, स्क्वायर बनना है तो यहाँ से भी ऐसे करके 90 बनाती लाइन जाएगी ऐसे करके आगे की तरफ, सीधी नहीं गई थी, चलो मान लो गई ऐसे इधर से 90 बनाती ऐसे लाइन जाएगी, तो यहाँ पे जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वही पॉइंट आपको कौन होगा, इसकी हो इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहे, इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहे, ध्यान से देखना एकदम ध्यान से देखना, गिनती गिना देते हैं, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या पूछा, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, एक दो कितना चले एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन पे दो, यहाँ पे पहुँचना इसे यहाँ ओरिजिन से चलो एक माइनस दो, फिर ये एक दो माइनस तीन, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं माइनस दो कामा माइनस तीन, बन गया कि नहीं बन गया, डी के कोऑर्डिनेट निकाला है कि नहीं निकाला है, निकाला है सर। उसके बाद क्या पूछा, इसका एरिया भी पूछा है क्या, हाँ एरिया पूछा, तो एरिया कैसे निकलेगा भैया, एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलेगा स्क्वायर की साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल होता तो लेंथ इनटू विड्थ चल जाता, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, चाहे ए बी का स्क्वायर कर दो, चाहे ए डी का स्क्वायर कर दो, चाहे जिसका स्क्वायर कर दो, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, तो जरा ए बी कैलकुलेट कर लेते, ए बी गिनती गिनो, इधर किनारे चला करो, यहाँ चला शुरू कर रहे, ध्यान से देखना ए यहाँ जीरो चला एक, ये पॉइंट हो गया दो, फिर ये तीन, ये चार, ये पाँच, तो पाँच हो गए, पाँच का स्क्वायर तो 25 यूनिट स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट लिख जाएगा आंसर इस तरह से, आया समझ में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना। हाँ सातवां सवाल की एग्जांपल पूरी इसी तरह से करिएगा, आप खुद करेंगे अपने आप से, इसमें रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में लेंथ और मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों निकालना, मतलब लेंथ निकाल लेना और विड्थ निकाल लेना, फिर मल्टीप्लिकेशन करा के एरिया निकाल देना, तो ये कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विद होल एग्जाम्पल एंड होल क्वेश्चन, जो नहीं आएंगे कल हम डिस्कस करेंगे, हम एग्जाम्पल ये वाला भी कल डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत करता है आपको भी, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, कल आगे मिलते हैं, ठीक है, ओके थैंक यू।